हेलो यूट्यूब, तो जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार कि मैं एक इस एम्पलीफायर को अपग्रेड करूंगा, तो मेरा अपग्रेड कंप्लीट हो गया। मैंने एक नया मतलब हुआ ये कि इसका लेफ़्ट चैनल का दो जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो गया था, तो मतलब ओवरलोड की वजह से ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैंने अपग्रेड करने के लिए दो नया ट्रांजिस्टर तो लगाया ही, और साथ में इसको और भी मतलब दो अलग से ट्रांजिस्टर जोड़ दिया। एक ट्रांजिस्टर यहाँ है एक्सटर्नल, और एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, आप देख सकते हैं। और इस दोनों, ये जो चार ट्रांजिस्टर हैं, मतलब चार को, चार में से लेफ्ट वाला दो लेफ्ट चैनल और राइट वाला दो राइट चैनल के लिए था, तो मैंने इस सभी को कंबाइन कर दिया है। तो एक तरीके से डबल लोड ये सह सकता है। और इसका लेफ्ट चैनल अब ये हो गया है, ये और ये ट्रांजिस्टर, ये जो दोनों है ट्रांजिस्टर वो इसका लेफ्ट चैनल है, और ये चार ट्रांजिस्टर इसका राइट चैनल है। तो ये जो ट्रांजिस्टर मैंने नया लगाया है ये ज़्यादा पावर का है, और ये हीट भी कम होता है। और ये जो है मतलब मैंने एक मतलब पुराने जो है मतलब पावर एम्पलीफायर से निकाला है, तो ये एम्पलीफायर तो वैसे उतना खास है नहीं इसमें पावर, लेकिन चूँकि ये ट्रांजिस्टर एक पावर एम्पलीफायर का है, तो इसलिए जो है मतलब ये ज़्यादा लोड सह सकता है। और इसमें जो पहले से जो ट्रांजिस्टर था वो ज़्यादा हीट होता है, लेकिन ये उतना हीट नहीं होता है, और ये लोड भी ज़्यादा सह सकता है। इसलिए मैंने दो पावर ट्रांजिस्टर जो मैंने मतलब एक पावर एम्पलीफायर से निकाला उसको अलग से लगा दिया है दो, और ये चार जो ट्रांजिस्टर है उसको मतलब उसमें से दो यहाँ पे जो लेफ्ट में देख रहे होंगे, मतलब पीछे से तो लाइट नहीं है इसलिए नहीं दिखा सकते हम, तो ये दोनों पावर एम्पलीफायर का है, और ये राइट वाला दो जो है वो इसमें पहले से था। तो एक तरीके से चार ट्रांजिस्टर का एक राइट चैनल बना दिया, और ये दो अलग से ट्रांजिस्टर लगा के जो है मतलब लेफ्ट चैनल। बाकी जो मैंने पहले मॉडिफिकेशन किया था वो मैंने पहले दिखा दिया था कि इसमें मैंने डायोड बदले थे। और उसके बाद एक और बात था कि मतलब जब पिछली बार शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इसमें जो इसका कॉइल है यहाँ पे आप देख सकते, ये दो कॉइल रहा, ये और ये, लेकिन यहाँ पे दो कॉइल नहीं है। वो इसका रीज़न ये था कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से कॉइल एकदम लाल हो गया था, मतलब एक तरीके से लाल हो गया, ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन एकदम मतलब ओवरलोड हो गया था। यहाँ पे ये तीन, ये सबसे ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है ये भी हीट हो गया था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो इसलिए टेस्ट किया तो पता चला कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया। तो उसके बाद लेफ्ट चैनल ख़राब हो गया था, तो आज मैंने लेफ्ट चैनल को ठीक किया है और फिर से मॉडिफिकेशन किया है, अब दोनों लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों काम करता है। तो इसी के साथ ये मतलब एक तरीके से आप ज़्यादा लोड भी सह सकता है और अच्छा काम करता है। तो चलिए आपको एक बार ड्राइव करके दिखाते हैं, आवाज़ आ रहा होगा। रहा 12 इंच का स्पीकर, तो देखिए ये इसका क्या करता है। Thank you.
वीडियो समाप्त करते हैं, मेरा अपग्रेड कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।